नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बिहार में गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे तालाबों और जलाशयों पर आस्था का जनसैलाब नजर आया। सोमवार को सूर्य उदय होते ही छठ व्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ दिया। इसके पूर्व व्रतियों ने रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया था। छठ पूजा के लिए सुबह में सभी घाटों पर प्रशासन और स्थानीय पूजा समितियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर भी छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। इधर भागलपुर में अहले सुबह से ही व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर जुटनी शुरू हो गई और लोग छठी मैया की आराधना करने में लीन दिखे। बरारी पुल घाट और सीढ़ी घाट के साथ मुसहरी घाट, मानिक सरकार घाट, पुरानाथ घाट समेत तमाम गंगा घाटों पर लोग पहुंचे और उगते सूर्य को अर्घ दिया। इसको लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम किया गया था। शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर SDRF, जिला पुलिस बल और SAP जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं बात अगर आस्था की करें तो कई छठ व्रती साष्टांग दंडवत देते हुए अपने घरों से छठ घाट पहुंची और पवित्र गंगा में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना की। शहर में जगह जगह पूरे उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया गया। साथ ही घाट परिसर में लोगों ने मेला का आनंद लिया। वहीं छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर जिला प्रशासन एवं पूजा समिति की ओर से स्टॉल लगाया गया था। इसके अलावा शहर में कई जगहों पर कृत्रिम घाट का निर्माण कर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ पूजा का त्यौहार सोमवार को संपन्न हो गया। शहर के विभिन्न घाटों, पोखरों तथा घरों में श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य के निकलते ही उन्हें पूरी आस्था के साथ अर्घ अर्पित किया एवं सबकी खुशहाली की कामना की। वहीं गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाथनगर पुलिस के द्वारा छठ घाटों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग ना किया जाए। इस दौरान पूजा समिति के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों ने अपना भरपूर योगदान दिया। पीरपैती प्रखंड के शेरमारी सुंदरपुर पीरपैती सहित अन्य तालाब पर महिलाओं द्वारा गीत गाकर डूबते हुए सूर्य देव और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पर्व के दौरान महिलाओं ने तालाब में दीपदान भी किया। इससे दीपों की रोशनी से तालाब जगमगा उठा। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से छठ पर्व को लेकर माहौल पूरा भक्तिमय था। खबर सासाराम से है, जहां रोहतास जिला के चेनारी में इटली के फ्लोरेंस शहर से एक विदेशी महिला छठ का त्यौहार देखने चेनारी पहुंची है। चेनारी के रहने वाले वर्जेश विश्वकर्मा नामक युवक विदेशी भाषाओं के जानकार है। इटली की रहने वाली कैटरीना बार्सिलोना वर्जेश विश्वकर्मा से भारतीय भाषा ऑनलाइन सीख रही हैं। उसी के माध्यम से कैटरीना ने बिहार में छठ देखने की इच्छा जाहिर की, जिसके निमंत्रण पर वह चेनारी पहुंची है। वह पिछले 6 दिनों से चेनारी के गांव में है। दीपावली के अलावा अब छठ के पर्व में भाग ले रही हैं। यहां आकर वे काफी खुश हैं तथा छठ व्रत के एक एक मोमेंट का अवलोकन कर रही हैं। कैटरीना कहती है कि बिहार का छठ देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। वह इटली से अपने दोस्त के यहाँ छठ व्रत देखने पहुंची है। इटली के फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी की कानून की छात्रा कैटरीना बिहार आकर काफी खुश है तथा अपने अनुभव को सबसे शेयर भी कर रही हैं। I like India because it is so different from my country. So everything it is new to me. It is like visiting a different world. Where do you live? I live in Florence, in Italy. Italy? Yes. You are coming to here, why? I'm coming here because I'm curious to experience Indian culture and the most important Indian festival, Diwali and Chhath Puja. So I'm here thanks to my friend Brajesh who invited me here to spend these days with his family. अमरपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में एक व्यक्ति की गंगा में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान छोटे लाल दास का 22 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रुपेश पहले अर्घ के दिन नहाने के लिए पोखर गया था और तभी पानी की गहराइयों का अंदाजा नहीं मिलने के कारण वह गड्ढे में चला गया, जिससे कि नदी में डूब गया। घटना की सूचना अमरपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और गोताखोर की मदद से शव को निकाला गया। एक तरफ छठ को लेकर जो उत्साह था, वहीं दूसरी तरफ इस हादसे से पूरे इलाके में मातम पसर गया। मैं सुबोध कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ।
मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ डायबिटीज़ का, नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। मेरा नाम अशफाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करपुरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है। तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए, उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था। तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया, वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है। तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा। दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24। एक डेली सुबह में खाते थे, लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई। तो अब ठीक हो जाइएगा, तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचिए, हम एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा नंबर की मेरी आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाए हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है हम, चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आँख की रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle.
वेलकमिंग जावेद हबीब प्रो अकेडमी एंड सैरून कचेरी चौक नियर ढापा होटल एट अत्यावती टावर सेकंड फ्लोर। आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्ट्रेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोर हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्राफेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको एसटी एयरब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब अकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ओनर मिसेस सुधा पांडे हैं, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। बिहार राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। इसमें छठ व्रती 3 दिन उपवास कर माता की पूजा अर्चना करती है, मगर कुछ लोगों द्वारा पूजा के नाम पर बार बलाओं से अश्लील गाना पर नाच कराया जाता है। ताज़ा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के गांव मुस्तफापुर का है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर के समीप बार बालाओं का खुलेआम नाच प्रोग्राम होता रहा, लेकिन अस्थावा थाना और नालंदा जिला प्रशासन इससे बेखबर रही। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह के काफ़ी करीब रहने वाले संतोष कुमार उर्फ विधायक और अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ संटू एवं राकेश कुमार उर्फ चिंटू के द्वारा यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया और दूसरे जिला से बार बालाओं को बुलाया गया, जबकि नाच प्रोग्राम की जानकारी अस्थावा थाने को पहले ही चौकीदार द्वारा दे दी गई थी, बावजूद इसके थाना द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।